हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू जीबीपी साइंस चैनल आज के इस वीडियो में मैं लाइफ प्रोसेसेस का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स और इट इज़ आल्सो नोन एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों ये इंसान है हमारी तरह वट हैपन्स वन फूड इंटर्स इन द बॉडी क्या होता है जब हम खाना खाते हैं सपोज ये इसका माउथ का एरिया है इसने यहाँ से खाना खाया रोटी सब्जी दाल चावल फ्रूट चॉकलेट एट्सट्रा इसने खाया चबाया फिर क्या होता है गले से सरक के इस पाइप के थ्रू दैट पाइप इज नोन एज इसोफेगस स्टमक इस में खाना पहुँचाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है यहाँ से लार्ज इंटरेस्ट में घूमते 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 एन एस के थ्रू दैट लास्ट पार्ट इज एन एस एन एस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है तो बच्चों आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे खाना डाइजेस्ट होता है लीवर का क्या रोल है पेनक्रियास का क्या रोल है स्लेवरी ग्लैंड्स का क्या रोल है और कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं उनका फूड पर क्या इफेक्ट पड़ता है मैं डॉक्टर गीता भी पांडे आज स्टार्ट करती हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स बच्चों जब भी न्यूट्रिशन शब्द की बात आती है तो दिमाग में दो ही पॉइंट आते हैं इनटेक फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड तो न्यूट्रिशन में हमारे पांच इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं उसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है इंजेसन यानी कि फूड को इनटेक करना सेकेंड डाइजेशन यानी कि फ़ूड का ब्रेकडाउन हो जाना ब्रेकडाउन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस सिंपलर फूड सब्सटांस में कन्वर्ट हो जाना जैसे स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन अमानो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हमारा थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन जिसमें जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में चला जाता है एसिमुलेशन ब्लड के थ्रू घूमते घूमते बॉडी के हर एक ऑर्गन की सेल में हमारे न्यूट्रिय जाते हैं इसको हम बोलते हैं एसिमलेशन लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन है ईजेशन इसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एजेशन अब हमारे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फर्स्ट हमारा पार्ट है एलिमेंट्री के, इसको ट्यूब भी कहते हैं और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है इट इज ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस माउथ से एनस तक एक लंबी हल ट्यूब होती है वो एलिमेंट्री कैनाल होती है इस ट्यूब में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं जैसे माउथ है इसोफेगस स्टोमक इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में भी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटस्टैन और जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी लेंथ बच्चों करीबन करीबन नाइन मीटर होती है सोचो नाइन मीटर कितने कम इतने छोटे से हमारे माउथ से लेके आने से तो नाइन मीटर कितना लंबा डिस्टेंस होता है तो ये इंसान की हाइट पर डिपेंड करता है अगर इंसान लंबा है तो ये ग्यारह मीटर भी हो सकती है अगर छोटा है तो ये सात आठ मीटर भी हो सकती है तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है माउथ क्या होता है ये माउथ का एरिया है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में कुछ कहते ग्लैंड्स होती हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं सेल्स के ग्रुप हैं या कुछ ऑर्गन हैं जो कुछ जूसेस सिक्रिएट करते हैं या एंजाइम सिक्रिएट करते हैं तो हमारे माउथ में जो ग्लैंड्स होती है उसे हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स तो स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रिएट करता है सलाइवा सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है एंजाइम का काम क्या है फंक्शन क्या ये करता है क्या ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च क्या होता है स्टार्च हमने रोटी खाई तो उसमें स्टार्च हमने चावल खाया तो उसमें स्टार्च है तो सलेवा का क्या काम है ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है कभी बच्चों तुमने ऑब्जर्व किया हो जब तुम कभी सूखी रोटी मूव में चुपाते हो तो वो अपने आप गीली गीली हो जाती है वो किसकी वजह से होती है हमारे स्लेवरिक ग्लैंड में स्लेवा सिक्रेट होता है उससे गीली हो जाती है और फिर हमें थोड़ी देर में मीठी भी महसूस होने लगती है क्योंकि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा हमारा अम्माइस ईवे का फंक्शन है ईजी कैन स्वेलोइंग मतलब निगलने में फूड को हेल्प मिलती है अब क्या होता है हमने मुंह से खाना खाया एम ने अपना काम किया अब खाने को आगे पुश होना है पुश होने के लिए क्या होता है कि जो हमारी एलिमेंट्री कितने कैनाल है ट्यूब है इसकी जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ती रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं ठीक है द लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है सिकुड़ती है, 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 रहती हैं रिदमिकली मत एक नियमित रूप से इन ऑर्डर टू पुस्ट द फूड फॉरवर्ड खाने को आगे धक्का देने के लिए इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरी स्टेल्टिक मूवमेंट और ये पूरे कैनाल में चलता रहता है क्योंकि खाना स्टोमक से इंटरस्टैंड में आना है इंटरस्टैंड से आगे बढ़ना है चलो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है यहाँ तक समझ गए हो गए अच्छे से द एलीमेंट्री कैनाल का हमारा सेकेंड पार्ट है स्टोमक ओके अब यहाँ से मोस्टली से जब हमने खाना खाया है ये हमारा इस उफेगज है इसोफेग से खाना ये एरिया हमारा पूरा स्टोमक है ये वाला एरिया स्टोमक है यहाँ यहाँ से फिर हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है ओके तो ये वाला एरिया हमारा स्टोमक का है यहाँ से लेके कर यहाँ तक का तो स्टोमक में क्या था जो हमने इसोफेग खाना खाया खाना आया खाना सारा यहाँ इकट्ठा हो गया रोटी सब्जी दाल चावल फ्रूट चॉकलेट एटसेट्रा एट्सेट्रा अब ये स्टोमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है जो अंदर की लेयर होती है इसमें कुछ ग्लैंड होती हैं कुछ जूसेस सिक्रेट सिक्रेट करती हैं यानी कि निकालती हैं देखते हैं बच्चे जो स्टोमक है हमारा ये काफ़ी लार्ज ऑर्गन है थिक होता है मस्कुलर है और जे शेप्ड का है ध्यान से देखो इसकी शेप जे की शेप में आ रही है ये एम सी क्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों इस डाइजेस्टिव जो ये आज की वीडियो है इसमें एम सी क्यूज बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं तो इसमें ज़्यादा लर्न करने का काम नहीं है बस थोड़ा सा समझने का काम है और जो हमारा स्टोमक है वो प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हेपडोमन वो एपडोमन के लेफ्ट साइड में रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने कहा जो स्टोमक की जो अंदर की जो ये अंदर की जो लेयर होती है यहाँ की जो अंदर की लेयर होती है इसमें कुछ ग्लैंडस होती हैं ग्लैंडस क्या होते हैं ऑर्गन होते हैं या सेल एल्प ग्रुप होते हैं कुछ एंजाइम सिक्रिएट करते हैं उन गैस ठीक है ये जो जो ग्लैंडस होती हैं स्टोमक में पाई जाती हैं वो वॉल में पाई जाती हैं इनकी क्या रिलीज करती हैं ओके ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस स्टोमक में कहते हैं ग्लैंडस होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं वो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलीज करती हैं फर्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकेंड है हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज आल्सो नोन एज कहते और थर्ड सिक्रीट करती है म्यूकस तो बस ये याद करना स्टोमक में जो ग्लैंड्स होती हैं वो तीन चीज़ें सिक्रीट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड म्यूकस अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या होता है खाना तो पहुंच गया स्टोमक में ओके खाना सब पहुंच गया यहाँ से रोटी सब्जी दाल चावल फूट गई अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ इसने एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दिया तो एसिडिक मीडियम क्रिएट होने से अब खाना एसिडिक हो गया हमारा ठीक है ना तो हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है तो ये एसिडिक मीडियम में काम करता है तो ये एक्टिवेट कर देता है पैक्सीन एंजाइम को और दूसरा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ब्रेक डाउन द फूड्स फूड्स को ब्रेक डाउन करता है मतलब उसको टुकड़े 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 बारीक बारीक हो जाते हैं यहाँ खाना नेक्स्ट जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है जो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से, से द्वारा रिलीज हुआ था किलिंग पैथोजनस फाउंड ऑन फूड्स जब हम खाना खाते हैं हो सकता है उसमें कुछ हमारे पैथोजन हो जाए ओके बच्चों पैथोजन क्या होता है वट इज पैथोजन पैथोजन क्या होता है वट इज पैथोजन पैथोजन होता है हमारा डिजीज डिजीजॉजिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं उनको डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया फंगाई एटसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं ओके okay. तो इन पैथोजन को क्या कर देता है मार देता है किल कर देता है अब जो हमारी स्टोमक की ग्लैंड है वो जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी स्टोमक की स्टोमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है लेयर होती है उसकी रक्षा करता है म्यूकस क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब वो फूड को ब्रेक डाउन कर देता है किसी भी टाइप के फूड को तो स्टोमक की लेयर भी तो एक टाइप का फूड ही है मसल्स ये उसको भी तो उसने ब्रेक डाउन कर देना था गल जाना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता है वो म्यूकस उसकी यहाँ पर रक्षा करता है ओके okay? तो ये म्यूकस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कहते क्या कहते हैं कंडीशंस तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को ब्रेकडाउन कर देता है तो हमारे स्टोमक को ब्रेकडाउन क्यों नहीं करता हमारे स्टोमक की लेयर को क्यों नहीं डैमेज पहुँचाता तो यहाँ पर इसका आंसर है बिकॉज ऑफ ड्यू टू म्यूकस म्यूकस की रक्षा करता है नेक्स्ट हमारा जो स्पिंक्टर मसल्स होती हैं अब क्या हुआ स्टोमक में स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैप्सिन एंड म्यूकस इनका खाने के ऊपर इफेक्ट हुआ अब खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे आगे जाना है जैसे बच्चों देखो ये खाना यहाँ पर देखो ये हमारे से यहाँ से खाना आया ये इस ये स्टोमक था अब स्टोमक से खाने को आगे पास होना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाई ये स्पिंकटर मसल स्टोमक से खाना आगे पुश होना है इंटेस्टाइन में धीरे 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 करके जाना है तो वहाँ पर वहाँ पर स्प्रिंक्टर मसल यहाँ पर काम करती हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटस्टाइन अब खाना स्टोमक से स्मॉल इंटस्टाइन में जा रहा है स्मॉल इंटस्टाइन की लंबाई बच्चों ह्यूमन में करीबन करीबन सिक्स मीटर के आसपास होती है सिक्स टू सेवन मीटर ह्यूमन में ओके okay. तो ये जो स्मॉल इंटस्टाइन है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का फिटेड इन टू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं कॉइलिंग कॉइलिंग का मतलब होता है छः सात मीटर लंबी इंटस्टाइन होती है कॉइलिंग मतलब यूं 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 करके कॉयल होके छोटे से एरिया में फिट हो जाती है एंड लॉन्गर इन हर्बी वोड्स जो हर्वी वोड्स होते हैं यानी कि जैसे कि काव जो घास वास खाते हैं उनमें जो स्मॉल इंटस्टाइन होती है बहुत लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्नीवोर कार्नीवोर जैसे टाइगर होते हैं है ना तो इनकी जो इंटस्टाइन की लेंथ है करीबन थ्री टू फोर मीटर है काओ की करीबन करीबन बीस मीटर होती है ह्यूमन की सिक्स टू सेवन मीटर होती है तो अच्छा यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्बी वोर्स होते हैं काओ उनकी इंटस्टाइन लंबी क्यों होती है तो इसका आंसर है टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड यानी कि सेल्यूलोज क्या होता है जो गाय घास खाती है घास में सेल्यूलोज बहुत होता है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है तो उसके लिए उतनी लेंथ भी लंबी चाहिए तो जितना कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना हर्बी होगा उसकी इंटेस्टाइन की लेंथ उतनी ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है चलो बच्चों यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताना नाउ वेट हैपन्स इन स्मॉल इंटस्टैन अब खाना माऊ से इस्टोमक में पहुँच गई अब इन स्मॉल इंटस्टैन में आ जाता है अब क्या होता है जब खाना स्मॉल इंटस्टैन में आ जाता है देखो बच्चों यहाँ पर हम इसको डायग्राम में समझते हैं ये पार्ट हमारा स्टोमक है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच का पूरा क्या है ये स्टोमक है ओके ये पूरा पूरा हमारा स्टोमक है है ना और यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है अब क्या होता है खाने को आगे पुश होना है तो इस मसल इसमें हेल्प करती है जब खाना स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है अब क्या होता है बच्चों ये लीवर यहाँ पर आ गया हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा डाइजेस्टिव हमारा कहते हैं ग्लैंड से लीवर और एक ये ऑर्गन है ओके अब इनका क्या क्या रोल है लीवर एंड अब खाना स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया अब लीवर जो ग्लैंड होती है हमारी ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ये क्या सिक्रियट करती है बाइल जूस सिक्रिएट करती है जो कि फैट पर अपना काम करती है यानी कि फैट कोई ब्रेक डाउन क्या कहते करती है ओके बाइल जूस में हमारे बाइल बाइल के हैं सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट एंड पोटेशियम बाई कार्बोनेट और कुछ बाइल जूस में होता क्या है एक तो बाइल सॉल्ट होते हैं दूसरा बाइल पिगमेंट्स होते हैं जैसे बिलीरुबिन कहते हैं माना कि तुम्हारी एन की बुक में नहीं लिखा है बस बाइल जूस लिख के छोड़ दिया गया है इतना तुम्हारे जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ओके बच्चों तो जब लीवर ये जूस सिक्रेट करता है ओके okay, अब देखो यहाँ पर दे, देखो ये लीवर है ये लीवर है इसने बाइल जूस सिक्रेट किया बाइल जूस सिक्रेट करके ये वाला जो पाइप है इस पाइप से आते 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 इस पाइप से आते आते ठीक है ना ये बाइल जूस यहाँ से आते आते जूस ये इंटस्टैंड के अंदर घुस जाता है ऐसे एक हमारा ऑर्गन है जो हमारी जो हमारी जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है प्रियास ये जो हमारा ऑर्गेनिक डाइजेस्टिव ग्लैंड है पेनक्रियास ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है फर्स्ट लार्जेस्ट लीवर था ये क्या सिक्रिएट करता है ये एल्केलाइन जूस सिक्रियट करता है ये पेनक्रियास है हमारा ये इतना बोर्डन ये ये पेनक्रियास है बच्चों ये वाला ये हमारा पेनक्रियास है ओके पेनक्रियाज एल्केलाइन जूस सिक्रिएट करता है इसका जूस भी इंटरेस्ट है मिल जाता है अब खाना यहाँ से आ रहा है खाना ऐसे करके खाना आ रहा है इधर लीवर ने अपना जूस ने सिक्रियट किया ठीक है ना बाइल जूस जो कि फैट पर काम काम करता है पेनक्रियास ने अपना एंजाइम सिक्रियट किया जो कि इंटस्टाइन में मिल जाते हैं अब ये फूड पर क्या क्या एक्शन करते हैं चलो हम इसको देखते हैं जो पेनक्रियास है इसने एल्कल जूस सिक्रियट किया निकाला जिसको हम इस जूस को ठीक है ना इसमें दो इस जूस में एल्कल जूस में हमारे दो इंपॉर्टेंट एंज, एंजाइम होते हैं एक तो हमारा लाइपेज है जो हमारा फैट पर काम करता है यानी कि फैट को ब्रेक डाउन करता है और दूसरा हमारा जो एंजाइम है वो है ट्रिगे ट्र... ट्र... ट्रे, जो कि हमारा प्रोटीन्स पर एक्ट करता है तो क्या होता है जो प्रोटीन्स जो हमने खाया जैसे पनीर में प्रोटीन्स होता है दाल में प्रोटीन्स होता है तो ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में और जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल और भी एंजाइम जूसेज होते हैं वो कहते हैं पैप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में इस फॉर्म में फिर ब्लड में एब्जॉर्व होता है प्रोटीन और पैप्टाइड्स के फॉर्म में ब्लड में एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन से नहीं होता हमारा नेक्स्ट जो फैट है जो लाइपेज एंजाइम है जो हमारा पेनक्रियास जूस में दूसरा दु, जो हमारा लाइपेज एंजाइम था ये फैट पर एक्ट करता है ओके जो फैट्स जो हम खाते हैं जैसे घी बटर एट्सट्रा तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है लाइपेज एंजाइम फैट्स को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में इंटेस्टाइन से एबजॉर्बशन हो जाता है अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटेस्टाइनल जूसेस लीवर ने बाइल जूस सेक्रेट किया पेनक्रियास ने पेनक्राटिक जूस सेक्रेट किया जिसमें दो एंजाइम सिक्रेट किए इनकी फंक्शन मैंने बता दिए अब आगे चल के इंटेस्टाइनल जूसेस और सिक्रेट होते हैं बहुत सारे जूसेस होते हैं जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में और इस फॉर्म में फिर इंटस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं जैसे रोटी हमने खाई चावल हमने खाया एट्सट्रा मक्का हमने खाया इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मेन होता है जब तक कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसी को बोलते हैं डाइजेशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड या फूड का क्या हो रहा है ब्रेकडाउन हो रहा है उसके बाद क्या होता है जो ओके एक बार डायग्राम की ओर हम जाते हैं हम एक बार डिवाइज कर लेते हैं ये स्टोमक था स्टोमक में खाना ऐसा ठीक है यहाँ पर ग्लैंड्स ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह का एक्सन हूप पड़ चुके हैं उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया फिर लीवर ने अपने जूस सिक्रेट किए पैनकियाज ने अपने जूस सिक्रेट किए इन्होंने फैट को ब्रेक डाउन किया कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया और स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी यहाँ पर कुछ सिक्रिशन हो जाती हैं जो फैट को प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन कर देते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है फैट जो होता है फैटी एसिड एंड गलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है अब इस फॉर्म में क्या होता है इंटेस्टाइन से एबजॉर्ब होता है खाना आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल होती है जो खाना डाइजेस्ट हो गया वहाँ से ब्लड में जाता है यानी कि एबजॉर्ब होता है ओके okay. ये हमारी इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल है ओके okay, अच्छा तो ये की फिंगर लाइक जैसे इंटरेस्टिंग है कि वॉल है वो मैं फिर से बना देती हूँ यूँ यूँ करके ऐसे शेप होती है ऐसे तो ये फिंगर की लाइक स्ट्रक्चर दिखती है इधर से भी होगी और इधर से भी होगी ओके दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज विलाई इनको विलाई कहते हैं जिसकी वजह से जो फूड ब्रेक डाउन हो चुका है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है ऐसे ब्लड हम ऐसे क्या होता है इंटरेस्ट है ये जो मैंने रेड कलर का दिखा रखा है ये जो रेड कलर का दिखा रहे हैं ये हमारी वैसेस से ब्लड की ओके इन ब्लड वैसेस से जो प्रोटीन का अमाइनो एसिड बना ये यहाँ से यहाँ से खाना चाह रहा है ऐसे खाना चाह रहा है खाना चाह रहा है ब्रेक डाउन हो गया था ठीक है जो अमाइनो एसिड होगा ये ब्लड यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर ब्लड में कहते हैं पहुँचाता है फैट जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये ऐसे पहुंच जाएंगे कार्बोहाइड्रेट जो शुगर में पहुँचा वो ऐसे करके पहुँच ब्लड ब्लड में पहुँचाते हैं और वेस्ट मटेरियल आगे को बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है तो जो विलाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ विलाई कि विलाई के हमारे फंक्शन क्या हैं तो विलाई क्या है, तो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं प्रोजेक्शंस माने उभार होता है ऐसे करके होता है फिंगर लाइक ऐसे करके ठीक है ना इस साइड से भी है और इस साइड से भी है खाना बीच में से पास पास होता रहता है जो हमारा विलाई का फंक्शन है वो क्या है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एबजॉर्पन एब्जॉर्पन के लिए यानी कि ब्लड में जाने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है अब बच्चों सरफेस एरिया बढ़ाता है कैसे चलो मैं इसको डायग्राम बना के समझाती हूँ सपोज इंटस्टाइन ऐसी होती है ठीक है ना चलो मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा फिर भी बना लेते हैं सपोज ये इंटस्टाइन है ओके तो भाजी प्लेन होती है ऐसे इंटस्टाइन ऐसे ये इंटरेस्ट है, ठीक है और दूसरी इंटरेस्ट ऐसे है जो अंदर की लेयर फिंगर लाइक है ऐसे करके विलाई ओके यूं करके विलाई है ठीक है मैंने यहाँ भी डायग्राम बना था अगर सपोज ये धागा है यहाँ से यहाँ तक ठीक है ना यहाँ से यहाँ तक धागा है तो इसकी लंबाई तो इत, इतनी हुई ना अब इस सबूत धागा है यहाँ से यहाँ तक विलाई है इसको अगर खोलोगे स्ट्रेच करोगे तो इतना लंबा हो जाएगा ना तो एरिया बढ़ रहा ना इससे तो ये मतलब है इसका इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एबजॉप्शन इतने एरिया से तो कम एबजॉर्प्शन होगा और यहाँ से यहाँ तक एरिया में कितना एब्जॉर्प्शन हो जाएगा क्योंकि ये 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 काफ़ी लंबा है तो विलाई आर रिस्टली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विलाई और रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाई मतलब ये जो रेड रेड मैंने यहाँ दिखा रखा ना ये यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स हैं विच टेक द एबजॉट फूड टू ईच सेल ऑफ द बॉडी तो यहाँ से ब्लड में चला जाता है और फिर ब्लड जब ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में एक एक सेल में खाना अंदर पहुँच जाता है तो जब वो एक एक सेल में पहुँचता है तो उसी प्रोसेस को तो हम एसिमलेसन कहते हैं उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन अब जितना खाना प्रगटर्न हुआ जितना डाइजेस्ट हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया ओके थोड़ा बहुत एबजॉर्बसन लार्ज इंटेस्टाइन से भी होता है द अनएब्जॉर्ब फूड जो फूड वेस्ट मटेरियल था इस सेंट इनटू द वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है वहाँ भी विलाई होते हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस मटेरियल से और जो मटेरियल होता है फिर लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है हमारा एनस द रेस्ट ऑफ द material इज removed from द बॉडी बाई द anus, एस वाई के थ्रू बाहर निकल जाता है रेगुलेटेड बाई इस फिंकटर मसल और ख, खाने को पुश करना पुश करना ये कौन करते हैं इस फिंक्टर मसल में हेल्प करती हैं तो बच्चों हमारा डायजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता है एंड इस वीडियो को मैंने एन इस नोट्स को मैंने एन की बुक को पढ़ के बनाया अगर इतना समझ लो कि बच्चों तो आई होप कि तुम कमिंग एग्जाम में अपने एन सी क्यूज़ गलत नहीं कर पाओगे ऑल द बेस्ट फॉर टू यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अब बच्चों इस जी बी पी साइंस चैनल को बिना समय बर्बाद करे वे इसको सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं